दोस्तों, आज हम किसी गैलोनोमीटर का प्रतिरोध अर्ध विक्षेप की विधि द्वारा ज्ञात कर इसका दक्षतांक ज्ञात करेंगे। इसके लिए आवश्यक उपकरण है एलिमिनेटर, एक मार्गी कुंजी, गैलोनोमीटर, प्रतिरोध बॉक्स, उच्च प्रतिरोध बॉक्स, कनेक्टिंग वायर, संयोजक तार और रेगमार। इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले हम इसका परिपथ तैयार करते हैं। परिपथ तैयार करने के बाद दो एक मार्गी कुंजी में से पहली कुंजी को K1 और दूसरी कुंजी को K2 कहेंगे। सबसे पहले हम K1 कुंजी को लगाते हैं और गैलोनोमीटर में इतना विक्षेप लाते हैं कि इसका संकेतांक इवन नंबर पर आए। देखिए, हमने उच्च प्रतिरोध बॉक्स में से इतना प्रतिरोध निकाला है कि इसका विक्षेप सम अंक पर आए। देखिए, इसका सम अंक लगभग 28 के ऊपर गैलोनोमीटर का विक्षेप आ रहा है। इसमें हमें कुंजी K2 को खुला रखना है और इधर देखिए, हमारे पास जो उच्च प्रतिरोध बॉक्स में से हमने प्रतिरोध निकाला है 2000, 3000, 500, 600, यानी कुल प्रतिरोध उच्च प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला हुआ हमारे पास 3600 ओम का। अब हम कुंजी K2 को बंद करके प्रतिरोध बॉक्स में से इतना प्रतिरोध निकालेंगे कि इसका विक्षेप आधा रह जाए। देखिए, हमने जैसे कुंजी K2 को लगाया है और इस प्रतिरोध बॉक्स में से लगभग 105 ओम का प्रतिरोध निकालने पे इसका विक्षेप आधा रह जाता है। लगभग ये 14 भाग इसमें शो हो रहा है। इस प्रकार से हमारा एक सेट कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरा प्रेक्षण लेने के लिए हम गैलोनोमीटर में सम अंक पर विक्षेप लाते हैं। देखिए, हमने उच्च प्रतिरोध बॉक्स में से इतना प्रतिरोध निकाला कि गैलोनोमीटर का विक्षेप सम अंक पे आ जाए। लगभग हमारे पास ये गैलोनोमीटर का विक्षेप 26 भाग है और उच्च प्रतिरोध बॉक्स में से निकाला हुआ प्रतिरोध 4100 ओम है। अब जैसे ही हम कुंजी K2 को लगाएंगे, हमारा विक्षेप आधा हो जाएगा, लगभग ये 13 भाग आ जाएगा। अब हमें कुंजी K2 को लगाने के बाद प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध अलग अलग परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमने 105 ओम का प्रतिरोध पहले निकाला था, इस बार भी हमारे अर्ध विक्षेप 105 ओम के ऊपर आएगा। इस प्रकार से हमारे ये दो सेट हुए। इसी प्रकार से बदल बदल कर हम इसके 5 प्रेक्षण लेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि गैलोनोमीटर का विक्षेप सम अंक पे आना चाहिए ताकि अर्ध विक्षेप पूर्ण संख्या में आए। धन्यवाद।